नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। में और आज जिन शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, चित परिचित नाम, विशेष रूप से उत्तराखंड की अगर हम बात करें, सामाजिक राजनीतिक विभिन्न क्षेत्रों में जिनका मार्गदर्शन, जिनको आदर्श के रूप में हमारी नई पीढ़ी मानती है, आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार और पूर्व राज्यपाल, और ऐसे बहुत सारे परिचय के आप मोहताज नहीं है। पूरा उत्तराखंड आपको बुजुर्ग के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में जानता है। सर, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र से देश दुनिया में घूमने के बाद महाराष्ट्र से एक बार फिर से पहाड़ की ओर आप आए हैं, तो सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड में हमारे अग्रज का, हमारे अभिभावक का फिर से हम सभी स्वागत करते हैं। तो कैसा है ये पूरा सफ़र? देखिए, जीवन एक यात्रा है। जब आदमी संसार में आता है तो उसी दिन से उसकी संसार में यात्रा शुरू हो जाती है, और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हिमालय के दूरस्थ अंचल में, एक छोटे से गांव में, एक सामान्य परिवार में, किंतु एक संस्कारित परिवार में, संस्कारित माता पिता के घर में मेरा जन्म हुआ, और विपरीत परिस्थितियों के बाद भी ईश्वर की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे देश और विदेश सर्वत्र बहुत घूमने का अवसर मिला, देखने का अवसर मिला। सामान्य से लेकर के अति विशिष्ट लोगों से मिलने और जान समझने का अवसर मिला, और ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया, और उस नाते से मैंने महाराष्ट्र में काम किया। पर चूँकि मैं उत्तराखंड के लिए समर्पित रहा हूँ और उत्तराखंड बनाने में, उत्तराखंड के बारे में संपूर्ण साहित्य और तथ्य इकट्ठा करने में मैंने अधिक मेहनत की, काफ़ी परिश्रम किया, और उसके कारण से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड का राज्य बनाया, और आज मुझे लगता है कि उत्तराखंड को और अधिक प्रगति करनी चाहिए, उन्नत करनी चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। इस दृष्टि से यदि मैं इस जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ सहयोग कर सकूं, तो इसलिए फिर से मुझे लगा कि मुझे उत्तराखंड आना चाहिए, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, जब मैंने इच्छा व्यक्त की तो उन्होंने इसे स्वीकार किया, और अब फिर से आपके बीच में हूँ, और इन अपनी पहाड़ियों में, इन वादियों में मुझे लगता है कि एक नई क्रांति आनी चाहिए, स्वावलंबन की ओर लोग बढ़ने चाहिए, उस दिशा में प्रयास करेंगे, सबका सहयोग लेंगे। सर, बात करें राजनीतिक जीवन की, तो जनसंघ से लेकर आज की जो भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में स्थापित हुई है, एक संघर्ष का बड़ा दौर आपने देखा है, बहुत सारे आंदोलनों के आप अगुवा रहे हैं, और हम सभी आपको सुनते हुए, आपके बारे में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो कैसा लगता है इतने वर्षों में देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, विशेष रूप से उत्तराखंड की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां पर भू कानून जैसे विषयों को लेकर आजकल युवा सड़कों पर हैं, कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को लेकर बड़े आंदोलन उत्तराखंड में हुए, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से राज्य बना है मुझे लगता है कि आज गांव-गांव तक सड़क जा रही है, आज लोगों को बहुत सारी इतनी सुविधाएं मिल रही हैं। मेरे ख्याल से ये पहला अवसर होगा कि जब हर व्यक्ति का बैंक में, यहाँ हर महिला तक का बैंक में अकाउंट खुला होगा माननीय प्रधानमंत्री जी के ओर से, और घर घर में बिजली है, पानी पहले से भी था, अब जहाँ नहीं भी है तो हर घर में नल से पानी देखने का संकल्प पूरा किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि जब राज्य बना था तब यहाँ केवल एक पंत नगर और बाकी दो विश्वविद्यालय कुमाऊँ गढ़वाल होते थे, आज न केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट भी अनेक विश्वविद्यालय खुल चुके हैं। आप देखते हैं, आप चौकोड़ी में रहते हैं, चौकोड़ी में तो पहले केवल मुझे लगता है कि पशु पक्षी और
प्रकृति के ही निवास था, अब आपने यहाँ शहर बना दिया है, तो ये समझ लो कि किस प्रकार से आप स्वयं समझो कि जल जंगल जमीन की हम कितने रक्षा कर रहे हैं। तो जो जल जंगल जमीन या वो कानून की बात है, मुझे लगता है कि भूमि संबंधी कानून में ऐसी कोई बहुत अधिक जटिलताएं नहीं है, और जल जमीन और इसकी बात करना जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को जल का और अधिक उपयोग करना चाहिए। उस दृष्टि से भी जो हमारी जनता है, हमारे एनजीओज हैं, हमारे जागृत युवक हैं, युवतियां हैं, उनको आगे आएंगे, तो मुझे लगता है कि केवल सरकार सब नहीं करती, सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर हम सब लोगों को भी अपने बलबूते आगे बढ़ने के लिए कोशिश करनी चाहिए, तभी हमारा प्रदेश जो सच्ची उन्नति तभी करेगा। सर, भगत सिंह कोश्यारी जी को हम एक सरल, सहज और ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं, पूर्व महामहिम के रूप में कह लीजिए, पूर्व उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कह लीजिए, तो आम चाहे वो कार्यकर्ता जन हो, सामाजिक लोग हों, आम जनता हो, बहुत सहज भाव से आपसे मिलती है किसी तरह का प्रोटोकॉल, और इसका मतलब मैंने हमेशा देखा है कि बहुत सहज भाव से आप सभी मिलते हैं। आपकी बिल्कुल पहाड़ी शैली की टोपी धोती, और जिस भगवंता को हम लोग प्यारे बाबूजी के नाम से जानते हैं, तो एक बार कुछ प्रोपेगेंडा भी मैं देख रहा था आपकी परिधान को लेकर, किसी ने प्रतिक्रिया दे दी थी और पूरे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा गुस्सा था, तो जो बिल्कुल पहाड़ी ठेठ पहाड़ी वाली शैली आपकी है, ये हम सबको प्रभावित करती है। कल आपने एक बात रखी कि पहले मैं वोट मांगने आया करता था, अब मैं वोट मांगने, मैं बताना चाहूँगा कि वोट पहाड़ी का शब्द है और पौधे को वोट कहते हैं, और जैसा आपने बताया कि सामाजिक राजनीतिक जीवन के इस अवस्था में आपका प्रयास है कि जो उत्तराखंड के जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, उनको लेकर आप चाहते हैं कि कुछ इस तरह के दोबारा से यहाँ पर परिवेश तैयार किया जाए। देखिए, प्रदेश को एक प्रकार से ये माना जाता है कि यहाँ का पलायन बहुत हुआ है, और ये सही भी है। पलायन कुछ अर्थों में अच्छा भी होता है, कुछ अर्थों में अच्छा इसलिए होता है जब लोग ऊँची परीक्षा का प्राप्त करके, ऊँची शिक्षा लेकर के देश विदेश में जाते हैं, और वहाँ अच्छी जगह काम करके यहाँ पर अच्छी बड़ा मात्रा में धन भेजते हैं और सुविधाएं यहाँ देते हैं, वो अच्छा माना जाता है। परंतु केवल छोटे छोटे काम के लिए, दूसरे के घरों में काम करने के लिए जब यहाँ से लोग बाहर जाते हैं और उनको एक अल्प वेतन में बाहर काम करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे जिसको हम लोग कहते हैं पहाड़ की जवानी बेकार जा रही है। तो एक प्रयास है प्रधानमंत्री का कि रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए, लोग फिर से वापस आने चाहिए। हिमाचल से बहुत लोग कम बाहर जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड के बहुत लोग दिल्ली बम्बई आदि जगहों पर हैं। तो एक फिर से हमारा प्रयास है, कुछ नौजवान लोग, कुछ हमारे उन्नतशील जो कृषक लोग हैं, उन्होंने बागवानी में अपने मत्स्य पालन में, दुग्ध पालन में, अनेक चीज़ों में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये प्रयास है कि सरकार इतनी सहायता कर रही है, आप अगर बागवानी लगाना चाहें, कीवी लगाना चाहें, सेब लगाना चाहें, 80% की सहायता सरकार, केंद्र सरकार दे रही है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को एक बार फिर से उस दिशा में बढ़ना चाहिए, और पहाड़ी हम लोग सब उत्तराखंडी मूल रूप से किसान हैं, और यदि हम लोगों ने इस ओर ध्यान दिया तो हमारा ये प्रदेश एक बार फिर से पलायन बंद होगा, लोग बाहर से यहाँ आएंगे, और उनको जो बाहर आज इनकम हो रही है उससे दुगनी तिगुनी इनकम यहाँ पर होगी। उसी दिशा में मेरा प्रयास है कि जो भी मेरा सही समय है मैं उसी को लगाना चाहता हूँ। सर, प्रत्येक उत्तराखंड राज्य की जो कल्पना थी एक छोटे पहाड़ी राज्य के रूप में, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि चाहे विधानसभाओं का परिसीमन हो, पहाड़ी क्षेत्र से धीरे धीरे संख्याएं कम होती जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो अवधारणा पहाड़ मूल की थी, पर्यटन को बैकबोन के रूप में हम लोगों ने कल्पना में रखा था, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो हमारा जो एक क्षेत्र है, विशेष रूप से कुमाऊं का आंचलिक क्षेत्र, जहाँ से कैलाश मानसरोवर जैसी महत्वपूर्ण यात्रा जाती है, और इस क्षेत्र में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट पर्यटन की दृष्टि से नहीं है। ये सब मैं जब तक उस क्षेत्र लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं, अब हम लोग
आपने इसी चौकड़ी वीरना को देखो, ये कितनी भव्य और दिव्य स्थान है, कितना सुंदर स्थान है, पर हमने इसको क्या बना दिया है? अब ये कोई सरकार ने बनाया तो हम लोगों ने इसको ऐसा बना दिया है। तो ये इसमें हमको जागृत होकर, मेरा ही कहना है कि हम जागृत हों, हम स्वयं सब लोग आगे आए और स्वयं आकर के हम जो भी सरकार से सहायता मिलते है उसका सदुपयोग करके, चाहे पर्यटन हो, चाहे फलोद्यान हो, चाहे दुग्ध उत्पादन हो, चाहे मत्स्य उत्पादन हो, कोई भी चीज़ें हैं जिससे यहाँ लोग आए, यहाँ की इनकम बढ़े, तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हम सबको एक बार स्वयं भी स्थानीय लोगों को प्रयास करना चाहिए। और आप जैसे जो जागृत लोग हैं, जो इतना सोचते हैं, इतनी बातें आपने पूछी, तो मुझे लगता है आप जैसे लोगों को इसमें लीड लेनी चाहिए, आगे आना चाहिए और हमारे युवाओं को एकत्र करना चाहिए और दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड पहले से तो बहुत अच्छा होगा। पहले तो मैं जब अपना कपकोट विधानसभा में आता था तो वहाँ गढ़वाल से पैदल चल करके सातवें दिन मोटर रोड पर आता था। अब तो मेरे यहाँ जहाँ चाहो वहाँ सड़कें बन गई हैं, रास्ते बन गए हैं, जगह जगह आजकल अस्पताल भी चलने लग गए, और भी चीज़ें चल रही। तो इसलिए ये इसमें जन सहयोग और उस दृष्टि से प्रयास जाते जरूरी है, सरकार तो कर ही रही है। सर, इससे पूर्व में महामहिम के रूप में महाराष्ट्र के भीतर बहुत सारे पहाड़ मूल के लोग वहाँ पर, चाहे रोजगार की दृष्टि से रह रहे हों या फिर बहुत सारे स्थापित लोग हैं जिन्होंने अपना लगभग जीवन वहीं पर बिताया है, और आपको महामहिम के रूप में वहाँ पर पाके, चाहे वहाँ का महाकौतिक हो या फिर इस तरह के जो भी पहाड़ी मूल के फंक्शंस थे, तो कुछ खूबसूरत यादें आप साझा करना चाहेंगे? मैं तो पूरे भारत में घूमता हूँ और मुझे तो महाराष्ट्र के जिन जिन गाँवों में गया, जब मैं गांव में जाता मुझे नहीं लग रहा था कि मैं महाराष्ट्र के गांव में हूँ, मुझे तो वहाँ भी लगता था कि मैं अपने उत्तराखंड के गाँव में हूँ। क्योंकि गाँव में आज भी जहाँ भी आप जाएंगे सरल लोग हैं, सीधे लोग हैं, और स्वाभाविक रूप से उनमें सज्जनता होती है, सौम्यता होती है, एक दूसरे को आदर करने की एक आदत होती है। शहरों से एकदम भिन्न होते हैं शहर, आप चाहे हल्द्वानी लें, देहरादून लें, बम्बई लें, ये तो सब एक ही जैसे हैं। इसी प्रकार से हमारे गांव भी, महाराष्ट्र में भी मुझे एकदम वही आत्मीयता मिली। और महाराष्ट्र की तो मराठी भाषा में तो हजारों शब्द ऐसे हैं जो पहाड़ के और महाराष्ट्र के एक ही जैसे मिलते हैं, कुमाऊं गढ़वाल के वहाँ के। तो इसलिए सारे देश में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक एकता है, सब लोग एक ही जैसे त्यौहार मनाते हैं। अब ये ठीक है कि हमारे यहाँ कौतिक करते तो उनका कुछ और खेल होते हैं। तो इसलिए हमारे पहाड़ के लोग जहाँ भी हैं, लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, चंडीगढ़ है, सब जगह अपनी संस्कृति को फिर से जीवित रखने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैंने सब जगह कहा कि भाई कम से कम अपने बच्चों को कुछ शब्द तो कुमाऊनी गढ़वाली सिखाओ, क्योंकि आजकल हम अपनी मातृभाषा भूल गए। मैंने महाराष्ट्र के अंदर सारे यूनिवर्सिटीज़ में सारे कार्यक्रम मराठी में करना शुरू कर दिया, सब अंग्रेजी में बोला करते थे। तो मेरा प्रयास है कि हमारी भाषा आगे बढ़नी चाहिए, हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए, और हमारे लोग उस दिशा में जगह जगह पर पिछले 10-15 सालों से अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे हम सबके प्यारे बाबूजी आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी, जिनको जिनके बारे में, जिनके व्यक्तित्व से बहुत सारे लोग प्रभावित होकर आज बहुत सारे नए कार्य कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।